प्रभु की दी हुई निशानी मुद्री का हनुमान जी महाराज माता जानकी के सर को डाल देते हैं। माता जानकी जैसी मुद्रिका को देखती है मन में खुशी भी आ जाती है और एक दुख भी होता है। पापी की इस लंका में प्रभु की ये निशानी कौन लेकर आया? क्या कहती माता जानकी? तो हनुमान जी महाराज जो माता जानकी के सामने छोटा सा रूप लेकर खड़े हो जाते और क्या कहते हैं? ये मुद्री प्रभु राम की निशानी और मैं से लेकर आया हूं। क्या होता है? हो माता की पड़ी नजर हो स्वामी की निशानी है माने पहचानी है।
माता जानकी मनी उन विचार कर दी कहीं ऐसा तो नहीं पापी रावण ने मेरे प्रभु राम को रण में हरा दिया हो, समुद्री का वो माया से बना दिया हो। फिर अपने आप को तसल्ली देती है, कहती है अजय रघुराई और माया ते असी रची नहीं जाई। माया से आगे माता जानकी कहती है क्या कहा अरे ये मुंदरी ये मुंदरी मेरे साथ चलती ये मुंदरी मेरे ये मुंदरी आगे हनुमान जी महाराज माता जानकी कहते कहा भैया क्या मैं जिस काम से यहाँ आया था पूरा हो गया, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस अशोक वट पर कुछ फल खा लूं। तो हनुमान जी महाराज माता जानकी आज्ञा देती हैं, तो हनुमान जी महाराज अशोक वट में विध्वंस करते हैं, राक्षसों को मारते हैं। तो उनमें से जो बच जाते हैं वो जाके महाराज रावण से कहते हैं कछु मारे सी कछु मर्द सी कछु कलिया सी धरी धूल, और कछु मुनि जाए पुकारे प्रभु मर कट बलि धूल। कहा महाराज ऐसा अद्भुत वानराज लंका में आया है, ना जमाने में कभी देखा ना सुना। कहा तुम उस वानर की वीरता का बखान कर रहे हो, जाओ पकड़ कर ले आओ। तो वो दूत महाराज रावण से कहते कहा महाराज हमने कोशिश तो बहुत की पकड़ने की, लेकिन पकड़ा ही आए तब क्या कहते हैं वो दूत महाराज रावण से
अरे उसे बांधना तो चाह कहा वो बानर देखते देखते इतना बड़ा हो जाता है महाराज और इतना बदल बड़ा हो रस्ता पुराना पाए अरे उसे बांधना तो ठाकुर भजन मंडल ढाला करा शीघ्र से साझे सामान के साथ एक नाथ आते हैं हनुमान जी महाराज को नागपास में बांध के ले जाते हैं और हनुमान जी महाराज रावण को अपना परिचय देते कहा रावण रामचरण पंकज और धर हूं तो लंका अचल राज तुम करो सेवक हूं प्रभु राम का प्रभु ने मुझे तो रावण कहता है ये वानर बहुत बात कर रहा है इसकी पूछ में आग लगा दो तो रहा ना नगर बसन घट तेला और बाहरी पूछ की न कभी खेला सारे लंकावासी कपड़ा और घी लेकर हनुमान जी महाराज की पूछ में लपेटने के लिए दौड़ते हैं तो हनुमान जी महाराज कहते हैं चिंता मत करो पूछ अब तुम्हारे घर ही पहुंचा दे रहे हैं भाई कपड़ा पकड़ लेना और जब पूछ में आग लगाई तो जिनके फूट गए हो भाग जो हनुमान जी महाराज की पूछ में लगाना चाहे तो आज हनुमान जी महाराज ने रावण से कहा क्या अरे बच नहीं पाएंगे श्री राम के और आज आग भड़की है सरे आम के ठाकुर भजन मंडल ढाबा करा शीघ्र पलट पलट लगता समझा रही परम सम्मानी हमारे परम मित्र सुनील भैया पटेल साहब आपकी ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद हार्दिक हार्दिक धन्यवाद तो हनुमान जी महाराज सारी लंका नगरी को जला दे पुनः माता जानकी के सर्वो खड़े हो जाते और कहते माँ क्या माँ तो मोह दीजिए कछु चीना जैसे रघुनायक मोह दीना क्या मांगते हनुमान जी महाराज क्या हे
मेरा सारा काम यहाँ हो गया है अब। अरे यार जो मुझे अब जाने जानकार लोग बैठे हैं